दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो के रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे बात करूंगा तीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और उनके अलग अलग करेक्टर के बारे में, और उस करेक्टर का नाम है या उस टॉपिक का नाम है आज वार्ट्स यानी कि मस्से। दोस्तों मस्से अलग अलग जगह पर होते हैं हमारे शरीर पर और उनके लिए अलग अलग ही होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप घर बैठे अपना होम्योपैथिक मेडिसिन से अपने मस्सों का इलाज कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके के मस्से होते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं नाइट्रिक एसिड की। दोस्तों नाइट्रिक एसिड के मस्से अधिकतर चेहरे पे निकलते हैं, आपके इस वाले एरिया में हो सकता है कि यहाँ निकल जाएं। और जब कोई इंसान शेविंग करता है तो वो मस्से कट जाते हैं और उनसे खून निकलता है, यानी कि एक आम भाषा में अगर हम कहें तो ब्लीडिंग वार्ट्स, यानी कि जो छूने से। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान मूड होता है और मूड होने पर जब वो तौलिए से अपना मुंह पहुंचता है तो उसके मस्सों से खून आने लगता है और साथ के साथ दर्द भी होता है। तो अगर आपको इस तरीके के मस्से हैं जो कि खास करके चेहरे पर होते हैं तो आप उन मस्सों के लिए नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन तीन तीन बूंदे सुबह शाम एक चम्मच ताजे पानी में कम से कम 3 हफ्ता आप लेंगे, आप देखेंगे कि आपके मस्से गायब हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस जगह या कहां पर आपके मस्से थे। दोस्तों दूसरी दवाई है स्टेपसेग्रिया, जिसको हम स्टेप के नाम से जानते हैं। इसके मस्से गोभी के फूल की तरह होते हैं और छूने से बड़ा ज़्यादा दर्द करते हैं, यानी कि अगर हम इनको पहचाने तो इनको बोलते हैं सेंसिटिव वार्ट्स, यानी कि जो छूने से भी बहुत ज़्यादा दर्द करें। खास करके महिलाओं में ज़्यादा होते हैं इस तरीके के मस्से, और होने को पुरुषों में भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के मस्से जो गोभी के फूल की तरह हों और छूने से दर्द करें तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टेपसेग्रिया, जिसको हम स्टेप बोलते हैं, 30 पोटेंसी की तीन तीन चार चार बूंदे सुबह शाम एक चम्मच ताजे पानी में या तो खाने से पहले या खाने के बाद अगले 2 से 3 हफ्ता आप लेंगे, आप देखेंगे कि आपके इस तरीके के मस्से धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे। और तीसरी दवाई है दोस्तों जो बड़ी प्रचलित दवाई है, लेकिन वह एक खास करेक्टर के साथ उसके मस्से होते हैं हमारे शरीर पर और तभी वो असर करती है, नहीं तो मार्केट में हर इंसान के जुबान पर होता है कि थूजा। तो दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटली से एक ऐसी दवाई है जो पूरे शरीर पर मस्से कहीं भी हो नहीं काम करती। कुछ स्पेसिफिक करेक्टर है इस मेडिसिन का, उसी करेक्टर के अनुसार उसी लक्षण के अनुसार अगर हमारे बॉडी पे कहीं मस्से होते हैं तो ही थूजा काम करती है। दोस्तों इसके मस्से होते हैं कि कवर्ड एरिया जहाँ पे हम कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, खास करके जो हमारे जननांग होते हैं जहाँ पर हम हमेशा 24/7 कपड़े पहनते हैं, उस एरिया में अगर मस्से हैं चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमारे बगल वाले एरिया में जो एक्जिलरी पार्ट होता है जहाँ पे हमेशा मस्से होते हैं उन एरिया में, तो यानी कि इसके लिए एक हम टैग देंगे इस मेडिसिन को कि कवर्ड वार्ट्स, कवर्ड एरिया वार्ट्स, या बोलते हैं सीक्रेट वार्ट्स, जहाँ पे मस्से हों और किसी को पता ही ना चले सिर्फ उस इंसान के अलावा। तो दोस्तों अगर इस तरीके के मस्से आपको होते हैं तो थूजा ऑक्सीडेंटेलिस 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन चार चार बूंदे सुबह शाम एक चम्मच ताजे पानी में अगले 3 हफ्ता आप लेंगे, आप देखेंगे कि आपके मस्से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वायरी है आपकी तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।